सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि इंडिपेंडेंस के पीछे बच्चों सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया के जो लीडर्स उनका सपोर्ट काफी नहीं था। कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी इंडिया को जब हमें आजादी मिली है इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये था हमारी इकोनॉमी डेवलप कर जाए। इकोनॉमी डेवलप तब कर पाती है बेटा जब देश में कुछ ऐसी कंपनियां हो जो क्या कर रही हो कि भाई इस लेवल पे काम कर रही हो कि लोगों को रोजगार मिल रहा हो, वो उन्हें मतलब नौकरियां मिल रही है तो वो अपना काम चल रहा, उनका घर चल रहा। इससे हमारा देश का इकोनॉमिक सिस्टम भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। हम भी नए नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपनी चीजें खुद पर हम निर्भर हैं। ये सारी चीजें जरूरी है। इसी वजह से इंडिया जब आजाद हुआ तो हम वापस पे खड़े हो पाए। अगर ये कंपनीज नहीं होती, ये बहुत पुरानी कंपनी है वाइडिया ग्रुप जो है, ये देखिए आप देख रहे हैं कि ये 1736 और फिर भारतीय स्टेट बैंक 186 और ये इलाहाबाद बैंक 1865, आदित्य बिरला ग्रुप 1857, टाटा समूह 1868, डाबर 1884 और आरपीजी ये 1820। अगर आप इनको देख रहे हैं तो ये कंपनीज जिनका भी योगदान है, इन्होंने क्या किया था उस समय हमारे देश को बचाने के लिए। देखिए हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ लीडर जो है अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उसके पीछे कौन है, कंपनीज भी है जो उन्हें सपोर्ट कर रही है, रोजगार मिल रहा है उनके, अपने जो वर्कर्स हैं उनको उनको उनके उनके लिए सारी चीजें देना, उनकी एक लाइफस्टाइल सही करना, देश के लिए नए प्रोडक्ट बना पाना, वो चीजें जो बाहर से हम खरीदते थे वो खुद से ही बनाकर आपको दे पाए। क्योंकि अगर आप बाहर से खरीदते हो तो अल्टीमेटली यही होगा ना कि आपकी इकोनॉमी तो गई, आपकी जीडीपी भी गई। जीडीपी क्या बोलता है कि आपकी कंट्री में कितने प्रोडक्ट आप बनाते हो वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें बोला जाता है कि ज्यादातर इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करिए, इंडियन मार्केट में जो बने हुए हैं उनको यूज करिए, इससे आपकी इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो देश की आजादी 1947 पे जब हम आजाद हुए थे तो बेटा हम वापस से भी दोबारा हम पे कोई और देश कब्जा कर सकता, लेकिन हमने अपने डिफेंस को मजबूत बनाया है ना, हमने अपने एयरफोर्स को, हमारी आर्मी को, हमारी नेवी को मजबूत बनाया, हमने अपने अंदर एक ताकत भरी। और ये ताकत भरने के पीछे ये कंपनीज हैं जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया, क्योंकि भैया आप बिना पैसे के कुछ नहीं कर सकते। तो इन कंपनियों ने अपने प्रॉफिट से जो टैक्स भरा, जो इन्होंने ईमानदारी से देश के लिए कंट्रीब्यूशन दिया, और इसकी वजह से जब क्या हुआ देश को वो फंड मिला तो उन्होंने रशिया से कुछ बड़े बड़ी जो मिसाइल्स थी प्लेन से वो खरीदे, वरना ये पॉसिबल कैसे होता। मतलब देश आजाद हो गया एक एक बात है, लेकिन आजाद होने के बाद इसको चलाना ये सबसे मेजर पॉइंट था। और 1947 के बाद हम वैसे ही वीक थे, इसलिए हमने 1991 तक बाहर की कंट्री को अलाउ नहीं किया कि भैया हमारे यहाँ बिजनेस करने आओगे तो हम बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लगाएंगे, आप हमारे यहाँ डायरेक्टली इंडिया में आके बिजनेस नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि भैया हम डरे हुए थे कहीं ये लोग फिर से हम पर आकर कब्जा ना कर ले। क्योंकि हम डर क्यों गए थे, जब स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी बोलकर ये लोग हमारे पास आए। अब उस समय पे जब इंग्लैंड इस तरीके से हमारे पास आकर ये बोलता है कि भाई हम एक ईस्ट इंडिया कंपनी खोल रहे हैं इससे ये सारी चीजें बढ़ेंगी, धीरे धीरे करके उन्हें लॉ ऑर्डर बदल दिए, अपने सिस्टम बना लिए, हमें दिक्कत वहां तक भी नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने आकर इंडिया में लोगों को ही, हमारे इंडिया के लोगों को ही परेशान करना चालू कर दिया तो हमें दिक्कत होने लगी। क्योंकि भाई आप हमारे यहां आकर हमारे साथ वो ज्यादतियां कर रहे हो जो मतलब कोई भी ह्यूमन नेचर के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो गलत है। तो अगर आपके साथ गलत चल कुछ गलत हो रहा है तो क्या हुआ, इसकी वजह से हमने अपोज किया, हम सब इकट्ठा हुए, हमने बोला कि भाई आप हमारी कंट्री से जाइए, हम इसको अपने मैटर को अपने तरीके से सुलझाना चाहते हैं, हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं सारे काम, लेकिन उसके पीछे सबका सपोर्ट जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं सपोर्ट वो फिर जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, ये सारे जो लेवल है जो आपको समझना पड़ेगा कि इनका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। आज अमेरिका पावरफुल देश इसलिए है क्योंकि बेटा उसके पास सबसे ज्यादा कंपनीज हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चलती हैं। अगर उसकी कंपनीज ना हो, उनकी कंपनी पूरे वर्ल्ड में अपने सामान को ना बेच पाए तो इकोनॉमिकली देखा जाए तो वो इतनी पावरफुल हो ही नहीं सकती। उनके लीडर पावरफुल नहीं है, एक्चुअली वो देश पावरफुल है। और देश में कोई एक नहीं होता, लीडर होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनके वर्कर्स होते हैं, ईमानदार नेता होते हैं, पुलिस, आप डिफेंस, हम लोग कि हम सिटीजन कैसा फील करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब कुछ इस पे मैटर करता है। तो हमें क्या करना है,
हमें समझना पड़ेगा, हर किसी का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, और आप अपनी ईमानदारी से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए, आपका देश आगे बढ़े। लेकिन अगर आप सोचोगे अगला अगला अगला, मैंने वो करे ये करे वो करे, तो एक दिन वो सारा कुछ खत्म हो जाए। इसलिए ये सपोर्ट जरूरी, हर किसी का सपोर्ट जरूरी है।